के शिकार बच्ची की हालत गंभीर है और जिला महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत पे लड़ रही है। दूसरी पे दुष्कर्म करने का प्रयास के दौरान पुलिस के पहुंचने पर असफल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर एक परिंदे को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला बांदा नगर कोतवाली के अंतर्गत आने वाला नवाब टैंक क्षेत्र का है, जहाँ सड़क किनारे रहने वाले कुछ परिवार घर के बाहर परिवार सहित लेटे थे। देर रात अगवा बच्ची का पिता अंदर पानी पीने गया और जब लौट के आया तो बच्ची नहीं थी। कुछ लोग फरार के नशे में आए और नाबालिग मासूम बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए अगवा कर ले गए और मासूम को जबरदस्ती शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता ने जब बच्ची को नहीं देखा तो उसने हल्ला मचाया, कई लोग इकट्ठे हो गए और रात में ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बच्ची खून से लथपथ हालात में खेत में मिली, जहां से उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसको हालत गंभीर है। लड़की को गंभीर हालत के चलते कानपुर उपचार के लिए रिफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस घटना के एक घंटे पहले भी इसी रिक्शा चालक ने उसी जगह से एक दूसरे परिवार की 1-8 बच्ची लड़की का छोड़ते समय अपहरण किया था। वह पास के खेत में ले जाकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया था, जिस पर उसकी बच्ची के पिता ने पुलिस को अपनी 8 बच्ची बच्ची की गुनगुनी की सूचना दी थी। जिस पर पुलिस के ढूंढने पर पुलिस को आता देख रिक्शा चालक लड़की को छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। उसी रिक्शा चालक ने उसी जगह की दूसरी लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया है। हाँ साहब, सेहत मंदार लड़की सो रही थी, हम भी सो रहे थे। मैं प्यास लगी तो मैं चला गया अंदर, इतनी माया रिक्शा वाला उठा के ले गया तो खून पिया, रोवा पीटी होने लगी, सब कोई ढूंढने लगा। होश आई फिर उसका आदमी सब खून यहाँ से मुझे खुराहट तक ले गए तो यहाँ न मिली। फिर जाके आदमी यहाँ पाए गए सुखमन ढाबा के आगे और वहाँ बच्ची के साथ मान ला चप्पल मारता था, मुदा दे रहा मुदा पे दारू पिया था और लड़की भी बोलती थी नहीं है लड़की फोन चलता। अभी रिक्शा खड़ा है कोतवाली में, उसी तरह भरा। क्या बहुत जघन्य तरीके से किया पुलिस ने? कितने लोग थे? एक लड़का और एक रिक्शा वाला। और एक दूसरा कौन था? वो बच्ची तुम्हारी नहीं है क्या? दूसरी दो बच्चियों को ले गए। दो बच्ची। तो आपकी बच्ची क्या हालत है इस समय? अब तो सही है। बच्ची के साथ कितने लोग हैं? बोलती तो बलात्कार में एक ही लोग शामिल थे? नहीं, वहाँ पे उस समय कितने लोग थे उसके साथ जो उन्होंने किया गड़बड़ किया गलत किया, वो कितने लोग थे वहाँ? एक है ना, ये वही थी कि 12-1 बजे की रात में इसका मार्ग चिरैया का गया पानी। भाई साहब ने यहाँ पे पकड़ के पानी लेने के बाद वो वापसी आया, देखा लड़की नहीं थी। लड़की न मिलने की वजह से बस वो रिक्शा वाला उठा के ले गया हीरा महाराज के ढाबा के पास बिछड़ी वाली रोड में, वहाँ पर लेके किनारे उसके साथ बुरा काम किया। वो बुरा काम करने के बाद वो उसकी हालत ख़राब हो गई, खून खच्चर उसके चलने लगा, बेहोशीपन में वो पड़ी थी। इतने में सारे लोग जा करके उसको पा गए, पाने के बाद उसके ऊपर मारपीट किया, फिर पुलिस पहुँच गई। इतने में फिर पुलिस लेके उसको कुतवाली बंद कर, वो नहीं वो एक ही था, अकेला था, वो अकेला था, थे दो। तो एक चला गया नरेनी रोड में लेके एक लड़की को और एक ले गया तर्रा रोड से, दो लड़कियों को ले गए। हाँ दो, तो एक तो वो पा गए उसको यहीं बिहार के पास और एक को ले गए वहाँ। कौन कौन थे ये? नाम नहीं बता सकते। कौन लोग पहचानते हैं? कोई पहचानते हैं? कल्लू नाम बता रहे हैं उसका, कि कल्लू नाम है पथराम ताला पर। किस हालत में थी बच्ची? क्या जानवरों की तरह क्या बढ़ता? वो जानवर की तरीके का, वो बेहोशपन में थी। जब उसके खून चल रहा है तो वो बताओ बेहोशपन में है, उसको शराब पिलाई गई, उसको शराब भी पिला दिया था बच्ची को। बच्ची को शराब पिलाने के बाद फिर उसके साथ गलत काम किया। कितने वर्ष की बच्ची है? अरे 2-2.5 साल की बच्ची है, इतनी बूढ़ी बच्ची है। अभी कहाँ लाए हैं आप? अस्पताल में है, इलाज चल रहा है। यहाँ पे अतरा रोड पे रात में सूचना मिली थी कि एक बच्ची का किडनैपिंग हुई है। तभी तत्काल जब पुलिस मौके पे पहुंची तो लड़की कहीं थोड़ा अंधेरी जगह पे खड़ी हुई थी, उसको सकुशल बरामद कर लिया गया। फिर इसके बाद तत्काल एक और सूचना आई कि एक और लड़की का अपहरण हुआ है, और उस क्योंकि पेरेंट्स ने थोड़ी सी दूसरी लड़की की सूचना हमें समय पर नहीं मिल पाई थी, और जब बाद में जब उसको ढूंढा गया तो लड़की दूसरी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था।
अपराधी गिरफ्तार हो चुका है और उसने कबूल किया है कि उसने ही दोनों बच्चियों को लिया था और उसने ही इनके साथ, मतलब पहली बच्ची जो है उसके जब कब्जे से छूट गई तो उसने दूसरे के साथ इस तरह की हरकत की है। लड़की जिला अस्पताल में एडमिट है, ठीक है, और इसकी पहचान भी हो चुकी है। दोनों लड़कियों ने इनको पहचान लिया है कि हाँ इसी अभियुक्त ने इनको जो है लेके गया था और बाकी आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों बच्चियों की उम्र क्या है लगभग? दोनों बच्चियाँ जो है बहुत छोटी बच्ची हैं, एक लड़की 6 साल की है जिसके साथ घटना की गई है और दूसरी लड़की जो है 8 साल के आसपास। आरोपी गिरफ्तार हो गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जी, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है।